समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य पंकज उपाध्याय ने मारी हैट्रिक। 3 बार से लगातार जिला पंचायत सदस्य पद अपना कब्जा जमाया है। आपको बताते चले कि चुनार तहसील क्षेत्र के पटिहटा गांव निवासी पंकज उपाध्याय समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष ने अपने संघर्षों से लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य पद पर कब्जा किया है। वहीं 3,146 वोटों से विजयी हुए। जब पंकज उपाध्याय से मीडिया ने सवाल पूछा कि आपने हैट्रिक लगा दी, तीसरी बार आपने चुनाव जीतने का काम किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने जनता को पानी पिलाने का काम किया है और लोगों ने केवल दारू मुर्गा पिलाने और खिलाने का काम किया है। आज तो हमें नारायणपुर वार्ड नंबर 4 से जनता ने जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, एक अलग पहचान बन चुकी है। पंकज उपाध्याय की हालांकि जिस वार्ड नंबर 4 से जीते, जहां पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन 21 दिनों के समय में पंकज उपाध्याय ने चुनाव जीत कर एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। जनपद की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। लगातार मैं राजगढ़ 4 नंबर से, जमालपुर 4 नंबर से और इस बार नारायणपुर 4 नंबर से जिला पंचायत चुनाव जीतने का जो है श्रेय मुझे जो जनता ने दिया है, इस आदरणीय जनता जनार्दन को हमेशा अपने सरमाथे पर रखते हुए उनके हर आवश्यकताओं को, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने का अथक प्रयास करूँगा। और जिस तरीके से इस बार का चुनाव हुआ है, मैं राजगढ़ 1 नंबर में तैयारी किया, सीट पिछड़ी हो गई। नारायणपुर 3 नंबर में तैयारी किया, सीट पिछड़ी हो गई। और नारायणपुर 4 नंबर जब मुझे मिला, वहाँ की जनता ने जो स्नेह प्यार मुझे दिया, 21 दिनों में मैंने जनता को पानी पिलाने का काम किया और प्रत्याशियों ने जनता को दारू मुर्गा शराब देने का काम किया। लेकिन मैं अपने इस क्षेत्र की भोली भाली जनता को हमने पानी पिलाने का काम किया। जो दो दो साल से खराब हैंडपम्प थे, हमने उसको बनाने का काम किया। गरीब लड़कियों की शादी में मदद किया और गरीब मजदूर में, किसानों में जो बीमारी हुई उसकी इलाज कराया हमने जो है। इससे इस क्षेत्र की जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया। इस समर्थन की देन है कि आज मैं नारायणपुर 4 नंबर से लगभग 3146 वोट से चुनाव जीत कर मैं विजयी हुआ हूँ। और यह संकल्प लेता हूँ कि जिस तरीके से इस नारायणपुर 3 नंबर की जनता ने मुझे सम्मान दिया, 4 नंबर की जनता ने मुझे सम्मान दिया है, उनके हर आशा और विश्वास उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। यही हमारी शुभकामना और बधाई पूरे क्षेत्र की जनता को है। बहुत बहुत धन्यवाद।